अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है तड़के वाले चावल। ये कैसे बनेंगे, इसकी रेसिपी क्या है, इसको प्लेन राइस भी कहते हैं, ये जानते हैं मामा से। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेढ़ चम्मच मैंने ना ले लिया उसका नमक का, एक चम्मच मैंने दादरी मिर्च का लिया, एक चम्मच जीरे का, आधा चम्मच गरम मसाला। ठीक है, ये मसाला हाँ जी, एक प्याज और तेल मैंने डाल दिया। ठीक है, और ये चावल हम लोगों ने लिए हैं। एक गिलास चावल का नहीं, डेढ़ गिलास। डेढ़ गिलास, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने पानी डालना है। ये हम लोगों ने स्पाइसेस भी दिखा दी हैं आपको। तो अब हम लोगों ने जो प्याज है ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। तो देखते हैं व्यूअर्स की जाओ से आज हमारे मज़ेदार से तड़के वाले चावल प्लेन राइस की रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं जाए वीडियो को पूरा देखना। हाँ जी, थोड़ा सा और रंग आ जाए। ये ना मतलब चावल है, मतलब जीरे वाले भी कह देते हैं इसे, खुश्का भी कह देते हैं, मतलब नमकीन चावल। तो ये इसके ऊपर सालन डाल के खाएं, बड़ा मज़ेदार लगते हैं ये। तो प्लेन राइस भी कह सकते हैं। हाँ जी, ब्राउन राइस अक्सर ये बना लेते हैं लोग घरों में। अच्छा, ये मैं मसाले डाल के ना फिर पानी डाल देती हूँ। पता ना कब। अब इसका जो सा कलर है, वाओ कितनी प्यारी खुशबू आई है। तो कलर भी निकल आएगा चावलों का। ठीक है, तो अब हम लोग मतलब बहुत आसान से, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई चीज़ तो पकानी नहीं है, मतलब गोश्त वगैरह उसको गलाने के लिए टाइम देना हो या कोई सब्जी वगैरह, इस तरह का तो कोई सीन है नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं पानी डालती हूँ इसके बीच। ये ले, चावलों के लिए मैंने पानी डाल दिया, अब उबाल आ जाए तो चावल डाल देते हैं। तो बहुत ही आसान से और झटपट बन गए हैं चावल, को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको बनने में। मतलब हम लोगों ने मसाला तैयार किया, चावल आप लोग भिगो दें और इसी दौरान आप लोग मसाला तैयार करने लग जाएं। मैंने कहा ये भी मतलब बता दूँ ना, ऐसे भी बना लेते हैं, एक जल्दी से भूख लगी होती है ना, तो बंदे का दिल चावलों को करता है कुछ चीज़ ना हो, फुलके से चावल। तो मैंने कहा ऐसे भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने बनाने सिखाए हैं ये वाले। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग उबाला दिलाएंगे, इसके बाद इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को कभी जान को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद इस तरह की जो सी आसान झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। ये मैंने इमली डाली है जैके वास्ते। तो पानी पकने लग गए अब। हाँ जी, अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। तो ये भी बहुत इजी सी और डिफरेंट सी रेसिपी हो गई चावलों के हवाले से। हाँ, पहले भी हमने बहुत सारे चावल आप लोगों को सिखाए हुए हैं, तो ये आज हम लोग सोचा कि आपको चलो प्लेन राइस की उनसे रेसिपी तड़के वाले, मैंने कहा चावल तड़के वाले चावल की भी सिखा दें आपको, ताकि आपको इजी हो जाए। हाँ जी, इसके ऊपर सालन जो मर्जी डाल के आप खा लें। क्योंकि प्लेन राइस है तो उसके साथ आप लोग कोई भी सालन खा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने पानी को खुश्क करना है और फिर इनको हम लोगों ने दम पर रख देना है चावलों को। हाँ जी, वैसे जैसे पहले पकाते हैं ऐसे। तो तरीका सारा वही है, बस जो डिफरेंस हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग यूजुअली जो चिकन वाले वेजिटेबल या मीट इस तरह बनाते हैं चावल, तो पहले ये है ना कि किसी दिन रोटी खाने को दिल नहीं करता, सालन पका हुआ होता है तो नहीं दिल करता रोटी को, तो फिर ये वाले चावल बना लें, कोई चीज़ ना घर में हो मतलब डालने के लिए, मुर्गी या कोई मटर या सब्जी वगैरह ना हो, तो ये ऐसे पकाने आप। तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग इसका पानी खुश्क करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर वैसे जैसे हम इसको दम पर लगाते हैं, दम पर लगाएंगे वो जो मज़ेदार से मटर के वाले चावल हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो भी हम पानी खुश्क करके वेट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और देखना मज़ेदार से जो प्लेन राइस की रेसिपी है, जो तड़के वाले चावल हैं वो कैसे तैयार होंगे। हाँ जी हाँ जी, ये पानी सूखने का आप इंतज़ार करते हैं, फिर दम पर लगा देते हैं। और माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ गया इसका। मैंने इमली भी डाल दी है,
जरा से चावल ना खट्टे खट्टे भी हो जाएंगे। तो खुशबू अभी भी मतलब काफ़ी अच्छी आ रही है। हम लोगों ने जस्ट सिंपल इसके अंदर 3-4 मसाले डाले हैं, कुछ ज़्यादा हमने मसाले भी नहीं इसके अंदर डाले, लेकिन फिर भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये बबल्स भी बन रहे हैं। या पानी खुश्क हो जाएगा उसको हम दम पर लगाएंगे और फिर मज़ेदार से जो उनसे हमारे आज की जो रेसिपी है चावलों के तड़के वाले चावल ये तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा पानी खुश्क होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया, दम पर हम लगा देती हूँ मैं, थोड़ा सा और हो जाए। आप पकाएं ज़रूर, ट्राई करें, बहुत अच्छे बनेंगे। ये दम पर रख देती हूँ तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखें माशाल्लाह एक अकेला अकेला दाना कैसा प्यारा, ये देखें केले केले दाने, खिले खिले चावल और कलर माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। तो ये है हमारे तड़के वाले चावल जो तैयार हो गए हैं, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है तड़के वाले चावल पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक जरूर दें और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये है इसका फाइनल, ये लें जी व्यूअर्स। तो ये देखिए आप लोग कलर कितना प्यारा है, खिले खिले से हमारे चावल हैं, केला केला दाना है और जो टेस्ट और खुशबू है उसका तो क्या ही कहना, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से जा चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।